अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं पेपर देने जा रही हूँ। अम्मी भी मेरे साथ है, नाबिया भी और मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ है। तो रात को हम काफ़ी लेट पहुँचे थे, इसलिए मैंने फिर आप लोगों से वीडियो भी शेयर की। हम लोग मैं अपनी कज़न के घर रुकी हुई हूँ, मेरे ताए का बेटा है, तो उनके घर पर हम रुके हैं। मैं और दुआ कीजिएगा हम मेरे पेपर के लिए। अभी तो हम बैलेंस ढूंढ रहे हैं क्योंकि इनका घर जो है बहुत अपोजिट है, बाज़ार से बहुत अपोजिट है, तो इसलिए तो अभी हमें अपना स्कूल भी ढूंढना है जिस स्कूल में पेपर है। और अम्मी सलाम करना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आगे तक मेरे साथ रहिए, आपको दिखाऊंगी आगे आगे क्या होगा वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ नाबिया को लेकर। मम्मी भी मेरे साथ है, मेरे साथ है और हम लोग नाबिया को मोबिलाइज करा रहे हैं। आज मैं आपसे वो पेपरों का शेयर दे रही थी, पेपर भी मेरे हो गए हैं और नाबिया ने बहुत परेशान किया मेरे फर्स्ट पेपर में। मम्मा को मम्मा का कुछ के लेकर उधर जाए कभी उधर पार्क में लेके गई, बहुत ज़्यादा उसको तंग किया। वो भी वीडियो मैंने आपसे शेयर करनी थी कि मेरा पेपर कैसा हुआ। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, मैंने पूरा फिल किया। पर घर पर आए तो उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको कंजेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा, नज़ला, तो उसको संभाल रहे हैं। और मम्मा भी बहुत परेशान है, हम लोग भी बहुत परेशान हैं। बस आप लोग दुआ करें नाबिया ठीक हो जाए। और मेरे नेक्स्ट पेपर के लिए तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं भेजने जा रही हूँ किस स्कूल में। शेयर करें मेरे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और उम्मीद करता आप लोग उम्मीद करता आप लोग सब खेरे से मैं बिल्कुल। और मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही क्योंकि गला ख़राब हो गया। तो अम्मी मेरे साथ है, नाबिया भी। मेरा सेकंड डे पेपर का मैंने एक वीडियो अपलोड करने के लिए डाली थी पर वो पता नहीं कैसे मेरे फ़ोन में से डिलीट हो गई, तो इसलिए वो वीडियो आपके साथ मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो वो सफ़र की थी, मैं कराची से आ रही थी मीरपुर, तो उस सफ़र के उस दौरान की थी वीडियो थी। तो आज देखेंगे मम्मा इसको कैसे संभालती हैं। आज भी मेरे 2 घंटे का पेपर है। रात को मैं गई थी हॉस्पिटल, मेरा मम्मा हॉस्पिटल गए थे इसको लेकर, इसको बहुत ज़्यादा वो कंजेशन हो रही थी। और घर में लाइट का बहुत मसला है, नींद भी पूरी हो रही है। बस हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी जल्दी पेपर ख़त्म हो। तो बस ये मैं स्कूल पहुँच गई हूँ, आप लोगों से फिर जब पेपर ख़त्म होगा फिर मैं शेयर करूँगी कि पेपर कैसा रहा मेरा। तो जब तक मेरे साथ रहिए, थैंक यू फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब कैरियर से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक बार फिर मैं नाबिया को लेकर हॉस्पिटल में बैठी हूँ और अम्मी भी मेरे साथ हैं, आप ये देख सकते हैं। जैसे मोबिलाइज मशीन लगी है क्योंकि इसमें कंजेशन और भी रहती थी, मैंने पहले भी आपको बताया। मेरे इन पेपरों में सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रही हैं नाबिया, जिसने मेरा साथ दिया है बहुत ज़्यादा। क्रेडिट्स तो नाबिया को ही जाने चाहिए क्योंकि मुझसे बीमारी में भी मेरे से 2 घंटे दूर रहती है। नाबिया लगाओ थोड़ी देर, चलो फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नाबिया रोने लगे क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जो है वो मेरा 3rd पेपर है, आज 3rd पेपर देने आई स्कूल में, आप देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा जल्दी आ गई, पेपर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये हमारी क्लास है। तो मेरा पेपर ख़त्म हो चुका है, अब हम जा रहे हैं बाहर। गर्दन भी बज गई थी, हाँ गर्दन भी इतनी दुख रही थी, लिखा नहीं जा रहा था पर फिर भी लिखा काफ़ी मैंने, बहुत ही लिखा मैंने। तो अब चलते हैं घर, फिर आपसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो मैं पेपर देके घर पर आ गई हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये भाई का घर है, ये अभी बना रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, ये भी घर बन रहा है। आप
का मैं दिखा दूँ। और ये मैंने कपड़े धोए थे आकर, शायद मेरे सेकंड पेपर था और अनाबे की भी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो उसको चेस्ट कंडीशन आपको बताया भी था मैंने, इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इस रूम में हम लोग रुके हैं और सामने भाभी काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। और मेरी तो फर्स्ट वीडियो थी ना, वो मुझसे जब मैं कराची से आ रही थी यहाँ पर मीरपुर, तो वो वीडियो जो है वो अनाबिया ने डिलीट कर दी, क्योंकि वो मेरे फ़ोन में देखती है पोएम, तो इसलिए उसने फिर मेरे फ़ोन को पकड़ा हाथ में, पोएम देख रही थी, तो उसने फिर मेरे फ़ोन की वीडियो को डिलीट कर दिया। तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था, मैंने बोला मैं कौन सी वीडियो अपलोड करूँगी, अब मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूँगी अपनी जर्नी जब मैंने वहाँ से यहाँ तक आई। और बहुत अच्छी वीडियो बनी थी, उसमें मैंने स्लोमो भी डाला था, मैंने बोला चलो थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, स्लोमो डाल दिया मैंने। तो बट फिर भी जो होना होता वो होना होता है, खुदा को जो मंजूर होता खुदा को जो मंजूर होता। मेरे खुद की गला ख़राब हो रहा है, दर्द हो रही है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और जो है वो मेरा आखिरी पेपर है, तो हम लोग बहुत खुश हैं, दोनों से कराची जाएंगे। अनाबे भी बहुत ज़्यादा खुश है, अनाबे की भी तबीयत काफ़ी बेहतर है, तो मैं फिर ये कहना चाहूँगी मेरी इस कामयाबी में सबसे ज़्यादा हाथ जिसका है वो अनाबिया का है। इतनी बीमारी में उससे 2 घंटे दूर रहना मेरे बगैर, अगर वो नहीं अगर ना रहती मेरे बगैर मम्मा, और फिर मम्मा का सबसे बड़ा क्रेडिट है कि मम्मा ने उसको संभाला है, क्योंकि वो मेरे बगैर नहीं रहती, फिर भी मम्मा ने उसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। तो इन दोनों दो जनों को सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, खुदा इनको हमेशा खुश रखे, मेरी उम्र भी लग जाए इनको, खुदा करे। और नाबे की भी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है, अब बस अब हम अपने घर जा रहे हैं, ये तो घर भाभी का है। अभी तो मैं जल्दी तैयार होकर बैठ गई, तो जल्दी तैयार होकर बैठ गई थी तो देखा तो आधा घंटा है, आधा एक घंटा अभी, तो फिर मैंने सोचा कि ना वीडियो बना लूँ आप लोगों से शेयर करूँ, तो इसलिए फिर आज की जो हमारी रूटीन होगी, आज मेरे 1 घंटे का पेपर है, कल भी 1 घंटे का पेपर था, कल मैं आप लोगों को बता नहीं पाई, तो आज 1 घंटे का पेपर है। हम लोग तकरीबन 1 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ, 10-10:30 बजे तक मैं आऊँगी, 10-10:30 बजे तक मैं आऊँगी, तो फिर हम लोग निकल जाएंगे तैयार व्यार होकर, 1-2 बज जाएंगे फिर हम लोग निकल जाएंगे खाना वाना खाने। मेरे पेपर ख़त्म हो चुके हैं और अब हम आज घर जाएंगे और रेस्ट मारेंगे, बस अब वहाँ पर रास्ते की वीडियो बनाऊँगी मैं, वो भी आपको दिखाऊँगी। सही है, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हम लोग मीरपुर से निकलने कराची के लिए अनाबिया से हो रही है, इसी बारी बस है, और मेरे हस्बैंड की फेवरेट मूवी लगी हुई है इसमें, काफ़ी बेहतर हो गई है, सो रही है, अम्मी भी हैं, हम बाद में बात करते हैं, थोड़ी सी गाड़ी चल जाए और मैं थोड़ी मूवी देख रही हूँ।
सब खैरियत से होंगे। हम फर्स्ट क्लास अपने घर पहुंच चुके हैं और बहुत थक भी गए थे। कल मैंने वीडियो शूट करनी थी बट नहीं कर पाई थी क्योंकि वैसे इरफान ने मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा हुआ था। वो सरप्राइज़ ये था, वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी वो क्या सरप्राइज़ था, उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए बता देती हूँ, वीडियो सरप्राइज़ ये था कि इरफान ने हमारे लिए खाना बनाया था और उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि मैं भी कह रही थी, वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे बहुत कल अच्छा लगा, इरफान ने कल सफाई की घर की, काफ़ी अच्छा हमें फील हुआ। कभी इरफान ने कभी घर की सफाई नहीं की और ना ही कभी खाना बनाया क्योंकि मैं बनाती हूँ घर से बाहर। तो इरफान मुझे फ़ोन पे भी कह रहे थे कि वाकई अगर औरत घर पे ना हो तो बहुत घर सूना फूना लगता है। मैंने बोला चलें आप थोड़े से तो वो हुई ना, आपको हमारी कमी महसूस हुई। तो वहाँ से हम आए, हमारे घर ही ख़राब है नज़ला ना भी, आप खुदा का शुक्र है बहुत ठीक है। अपने घर पर आकर बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हो गई है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ऐसे इसी तरह हमें सपोर्ट करें। आपसे मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरी इतनी मेहनत नहीं थी जितनी मम्मा की और अनाभिया की मेहनत थी। और सबसे ज़्यादा जो है अनाभिया की, 2 घंटे वो मुझसे दूर रह रही थी और सारा क्रेडिट मैं अपनी बेटी को ही दूँगी। खुदा उसको सेहत दे, अभी भी सो रही है, खुदा उसे सेहत दे। मैं बहुत, हम लोग बहुत ही परेशान हो गए थे अनाभिया के लिए कसम से। जिस दिन मेरा तीसरा पेपर था उस दिन अनाभिया एकदम से फेल्ड हो गई। चेस्ट कंजेशन की वजह से उसकी एकदम सांस रुकने लगा और एकदम वो बेहोश हो गई। हम लोग, मैं अम्मी इतना डर गए, हमें समझ ही ना आया। हम उसके मुंह में फूके मारे, हिलाएं, अनाभिया क्या हो गया अनाभिया को, बहुत परेशान हो गए। फिर भी मेरी बच्ची ने मेरे बगैर जैसे टाइम गुजारा, सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरी बेटी को जाता है अनाभिया को, और उसके बाद जो है वो अम्मी, अम्मी ने भी मेरे बहुत ख्याल किया। छोड़ने जाती थी रोज़, लेने आती थी फिक्स टाइम पे, जब फ़ोन करो मम्मी आ जाती थी। और अनाभिया को लेके फुटपाथ पे भी बैठना पड़ता था, पार्क्स में भी बैठती थी। और कितनी बार तो जब मैं आई तो अनाभिया सो रही होती थी। ये सब बातें भी मैंने आपसे वीडियोस में शेयर करनी थी बट अनाभिया की तबीयत ख़राब थी तो इसलिए फिर इतना नहीं समझ आ रहा था क्या करूँ। तो ज़्यादा हम लोग अनाभिया के ऊपर ही कॉन्सनट्रेट कर रहे थे। वीडियोज़ भी मैं सोच रही थी कि मैं पूरी पूरी बनाऊँ, आप लोगों को बताऊँ कि हम लोग कैसे वहाँ पर सर्वाइव कर रहे थे, बट उस तरह से नहीं हुआ। बट फिर भी मैंने आप लोगों से, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई, छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे, बस मैं ज्वाइन करके आपको दिखाया है जैसे ये वीडियो में मैंने। तो अभी इस वक्त मैं अपने घर में बैठी हूँ। अम्मी की भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी अनाभिया को संभालते संभालते। अम्मी भी जाहिर सी बात है बूढ़ी हैं, जॉब भी करती हैं अनाभिया, इस वजह से भी वो जाहिर सी बात है मम्मा जॉब पर होती थी तो मैं भी जल्दी संभालती थी। अचानक से पेपर आ गए तो हमें अर्जेंटली जाना पड़ा। और फिर अनाभिया तो पैसे बीमार थी, आपको मैंने वीडियो शेयर की थी पहले, उसमें तो अनाभिया पहले बीमार थी। तो फिर हम वहाँ गए, फिर अनाभिया और बीमार हो गई, तो समझ नहीं आ रहा था कैसे एकदम। फिर यहाँ वहाँ पर हम बैठे हुए, फिर वहाँ पर हमें पता चला कि इरफान की बाइक चोरी हो गई है, नीचे से कोई ले गया, फिर वो अलग टेंशन हो रही थी। बट इन सब टेंशनों से ज़्यादा टेंशन जो हमें थी, मुझे और मम्मा को, अनाभिया की थी। अनाभिया बस ठीक हो जाए, अनाभिया अनाभिया को फिर हम ले कर जा रहे थे। बट खुदा का शुक्र है, मेरा अल्लाह का शुक्र है कि अनाभिया ठीक है। अम्मी की भी मैंने रात को टांगे वांगे दबाई थी, वो भी बेचारी बहुत थक गई थी। जाहिर सी बात है हम लोग जब रास्ते में भी आ रहे थे, उनको इतनी सर्दी लग रही थी, बस मैं कह रही थी कि हम अपने घर जाएं तो हम सही से रेस्ट करें। भाभी ने भी बहुत हमारा ख्याल किया, बहुत ज़्यादा। फिर भी हम लोगों, भाभी भी बेचारी बीमार रहती है, उनको भी वो शुगर है, मैंने भी उनके साथ बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा कराई, बट अनाभी भी बीमार थी, मैंने फिर भाभी के साथ थोड़ी बहुत जो हेल्प थी वो भी करवाई,
से भाभी के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। बस यही हमारी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू किया। मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाती अगर मम्मा और अनाबिया ना होती, क्योंकि मुझे एडमिशन दिलवाने वाली भी मम्मा थी, क्योंकि कोविड की वजह से तो हम वैसे पास हो गए थे, तो इंटर जो है वो एग्ज़ाम दे के करना था, तो मम्मा ने बोला नहीं मैं संभाल लूँगी अनाबिया को ये। मैंने बोला चलें ठीक है आप बोल रहे हैं, तो फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, तो फिर भी मम्मा ने बहुत अनाबिया को संभाला, जितना कम मैं शुक्र अदा करूँ मम्मा का। मम्मा तो बस आप लोग तो